गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन वी वर डूइंग चैप्टर 9 पावर पॉइंट. वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पावर पॉइंट विंडो, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद डिज़ाइन थीम, देन हाउ टू क्रिएट द टाइटल स्लाइड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन, राइट. So now, okay, yeah, we have already done selecting text also, deleting text, how to undo the changes, changing the font of text, then changing the size of the text, changing the color of the text, and changing the text style. So now, today we are going to do the alignments, setting the line space, then running a slideshow, and saving a slideshow. Okay, closing a presentation and exiting PowerPoint. So turn to page number 96, changing the text alignment. बेटा टेक्स्ट का अलाइनमेंट जैसे आपने वर्ड में किया उसी तरह PowerPoint में भी होता है. आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट साइड, यानी वो लेफ्ट जो मार्जिन आपका उसके पास होता है, सेंटर यानी बीचों बीच होता है, राइट यानी राइट साइड होता है, जस्टिफाइड यानी लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन्स के बीच में होता है, दोनों मार्जिन्स को टच करते हुए होता है, और बीच में जो वर्ड्स का स्पेस होता है वो उसको बढ़ा देता है. ओके, दैट इज़ जस्टिफाई. सो उस मतलब अलाइनमेंट से क्या होता है, आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. सो यू कैन चेंज द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स असाइनिंग डिफरेंट अलाइनमेंट कमांड्स. सेलेक्ट द टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वॉन्ट टू चेंज. जिस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, जिसका अलाइनमेंट चेंज करना है, उसको सेलेक्ट करिए. क्लिक ऑन होम टैब, फिर आप होम टैब पे क्लिक करेंगे. जब बेटा आप होम टैब पे क्लिक करते हैं ना, ये देखो, आप होम टैब पे क्लिक करने पे ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं इसमें 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं इस बॉक्स में. पहला वाला आपका सब कुछ देखो, सारी लाइंस लेफ्ट से शुरू हो रही हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट है. बीच वाला जो सेकंड बटन है वो बीचों बीच आ रही हैं सारी, दैट इज़ सेंटर अलाइनमेंट. थर्ड बटन है आपका सब कुछ राइट साइड है ज़्यादा, तो राइट से इवन है. तो जब राइट साइड इवन होता है इसका मतलब राइट अलाइनमेंट होता है, और राइट और लेफ्ट दोनों टच कर रहे होते हैं और बीच के गैप्स बढ़ा देते हैं उसको बराबर करने के लिए, तो होता है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ जस्टिफाई. ओके, तो आपको जो भी अलाइनमेंट चाहिए वैसे उस अलाइनमेंट बटन पे क्लिक करेंगे आप, और वैसी फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट पे हो जाती है. ओके, सेटिंग द लाइन स्पेसिंग. लाइंस के बीच में जो गैप होता है उसको भी हम सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग टू क्रिएट मोर और लेस स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट जो एक टेक्स्ट की जो लाइंस होती हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. ठीक है, पहले तो जिसमें आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ानी या कम करनी है, यानी कि एडिट करनी है, जिसमें लाइन स्पेसिंग आपको सेट करनी है, पहले उस टेक्स्ट को या टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट द टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वॉन्ट टू चेंज. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है. रिबन पे जो होम टैब है उस पे क्लिक करेंगे. फिर होम टैब पे क्लिक करने के बाद बेटा लाइन स्पेसिंग का ना ये बटन इसमें शो हो रहा है ऐसा, ऊपर एरो नीचे एरो, तो दोनों साइड एरोज़ बने हैं और लाइंस बनी हुई हैं. ये आपका लाइन स्पेसिंग बटन होता है. इसके बगल में एक एरो है, उस पे क्लिक करो तो स्पेसिंग ऑप्शंस आ जाते हैं. 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, यानी और भी ऑप्शंस आते हैं जब आप इस पर क्लिक करते हो. सो आपको जो लाइन स्पेसिंग मेजरमेंट आपको जो चाहिए उसमें से चूज़ करो. आपको 2.5 चाहिए, 1.5 चाहिए, 1.0 चाहिए. सो जो भी मेजरमेंट की लाइन पे, तो कितना लाइन स्पेसिंग बीच में चाहिए, डाउन एरो से लाइन स्पेसिंग बटन पे क्लिक करो, और जो ऑप्शंस हैं लाइन स्पेसिंग के उस पे क्लिक करो. जो भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपने जो मेजरमेंट चूज़ की उसी उतनी ही स्पेस दो लाइंस के बीच में आ जाएगा.
बट सिर्फ सेलेक्टेड एरिया पे आएगा वो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था. ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज. रनिंग अ स्लाइड शो. स्लाइड शो कैसे करते हैं? अब जब आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली, अ प्रेजेंटेशन कैन बी शोन ऑन अ मॉनिटर यूजिंग द एंटायर स्क्रीन. जब प्रेजेंटेशन बना ली तो उसको आप पूरा स्क्रीन यूज़ करके मॉनिटर पे दिखा सकते हैं. उसको हम बोलते हैं रनिंग अ स्लाइड शो. सबसे पहले तो आप स्लाइड शो के लिए सबसे पहली जो स्लाइड है उस पर क्लिक करें. जब आप उस फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपका पॉइंटर फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच गया, यानी सेलेक्टेड स्लाइड कौन सी हो गई? आपकी फर्स्ट स्लाइड. फिर स्लाइड शो का आइकन बना हुआ है नीचे स्टेटस बार के पास, ये इसमें दिस इज स्लाइड शो. ये स्लाइड शो व्यू है ना, फोर टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं, तो फोर्थ वाला आपका स्लाइड शो व्यू है. ये स्लाइड शो का आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, द स्लाइड यू सेलेक्टेड फिल्स योर स्क्रीन. जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया था वो पूरे स्क्रीन पे दिखने लगेगी, ठीक है. और क्लिक एनी वेयर ऑन द करेंट स्लाइड. करेंट स्लाइड पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाती है. फिर मतलब नेक्स्ट स्लाइड कैसे दिखेगी? आप करंट स्लाइड जो ओपन स्लाइड है, जो फुल स्क्रीन आपको स्लाइड ओपन दिख रही है स्लाइड शो में, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए आप माउस क्लिक करेंगे कहीं भी तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाती है. ओके, और स्लाइड शो एंड करने के लिए कभी भी स्लाइड शो को रोकना है आपको, सपोज आपकी स्लाइड में 10 स्लाइड्स हैं और आपको 3 स्लाइड्स के बाद ही लगता है नहीं कुछ चेंजेस करने हैं, अब इसको रोकते हैं, तो स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए क्या करना है आपको? एस्केप की प्रेस करनी होती है. यू कैन प्रेस एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एंड द स्लाइड शो एनी टाइम. एस्केप की को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ESC. ओके, नाउ सेविंग अ स्लाइड शो. स्लाइड शो को आप सेव भी कर सकते हैं. द प्रेजेंटेशन मस्ट बी सेव्ड फॉर इट्स फ्यूचर यूज़. जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए आप सेव कर सकते हैं. सेव करना भी चाहिए आपको, जिसमें आप कल को दोबारा उसे यूज़ करना है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं कभी भी फ्यूचर में, अगर वो आपके पास सेव्ड है तो. कैसे सेव करते हैं? फाइल टैब पर क्लिक करते हैं. जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं एक बैक स्टेज व्यू आ जाता है, जिसमें आपको किस बटन पे क्लिक करना है? सेव और सेव एज. सेव बटन पे तब क्लिक करते हैं जब आपको फाइल को सेव करना है, सेव एज बटन पे जब क्लिक करते हैं जब आपको सेम फाइल ऑलरेडी सेव्ड है पर अब दोबारा सेव करना है, मे बी न्यू लोकेशन पे और न्यू नाम से, ठीक है. और अदरवाइज आपका एक सेव बटन भी दिया होता है क्विक एक्सेस टूल बार पे, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए. जब आप सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है. सेव एज डायलॉग बॉक्स बेटा ऐसे ओपन होता है, ठीक है. क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू सेव द फाइल. मतलब जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है या डाउनलोड पे सेव करनी है या लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है, जहाँ भी इसको स्क्रॉल करिए, ये एरियाज को देखिए कि किस जगह पे आपको आपकी फ़ाइल सेव करनी है. जहाँ पे भी आप अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट करिए, ठीक है. जब आप उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका ये यहाँ पे फाइल नेम, फिर फाइल नेम वाला ऑप्शन. पहले तो आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ पे आपको फ़ाइल सेव करनी है, और फिर फाइल का नाम, आपको फ़ाइल का नाम यहाँ लिखना होगा कि किस नाम से फ़ाइल सेव करनी है, ठीक है. क्योंकि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा होगा. फिर सेव बटन पे आप क्लिक कर दीजिए तो जहाँ आपने जो लोकेशन चूज़ की थी और जो फाइल का नाम दिया था उस लोकेशन पे उस फाइल नेम से वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी. ओके, और वही नाम आपका फाइल के टाइटल बार पे
डिस्प्ले हो जाता है फाइल। जब आप दोबारा ओपन करेंगे सेव करने, सेव कर दिया, क्लोज हो गया, उधर सेव है फाइल, तो फाइल वापस फाइल की विंडो ओपन होगी। जब पावर पॉइंट की विंडो ओपन हुई, वो वाली फाइल ओपनड है और ऊपर टाइटल बार पे उसी फाइल का नाम, जिस नाम से आपने फाइल सेव करी थी, वो शो होने लगेगा। ओके, और शॉर्टकट की क्या है फाइल को सेव करने की, किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। ओके, अब प्रेजेंटेशन बंद कैसे करते हैं? आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू मस्ट क्लोज द प्रेजेंटेशन। काम करने के बाद प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहिए। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन विल नॉट क्लोज योर पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करने से पावर पॉइंट की विंडो क्लोज नहीं होती, क्योंकि आप फाइल क्लोज कर रहे हो, पावर पॉइंट प्रोग्राम नहीं क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी पावर पॉइंट की फाइल क्लोज हो जाएगी जो ओपन थी, बट पावर पॉइंट का विंडो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, टू क्लोज पावर पॉइंट विंडो आपको पावर पॉइंट से एग्जिट करना पड़ता है। क्लोजिंग अ फाइल मतलब पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन ओपन है वो क्लोज होगी, पर पावर पॉइंट क्लोज करने के लिए आपको पावर पॉइंट से एग्जिट करना पड़ता है। ओके, कैसे करेंगे? क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करें। जब भी हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं एक बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, उसमें से क्लोज बटन चूज करना है। कौन सा बटन? क्लोज। क्लोज बटन चूज करने से जो डॉक्यूमेंट, जो प्रेजेंटेशन, सॉरी हम पावर पॉइंट कर रहे हैं, सो जो प्रेजेंटेशन आपकी ओपनड है वो प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। पावर पॉइंट क्लोजेज द करेंट ओपन प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आपकी ओपन थी उस टाइम पे जब आपने क्लोज किया, तो वो प्रेजेंटेशन आप क्लोज हो जाएगी। ओके, देन एग्जिटिंग पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट को कैसे एग्जिट करेंगे? फिर से आपको पावर पॉइंट एग्जिट करने के लिए, क्योंकि पावर पॉइंट बंद करने के लिए आपको पावर पॉइंट एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप फाइल, फिर से बता रही हूँ, अगर फाइल क्लोज करोगे बेटा तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन क्लोज होगी बट पावर पॉइंट ओपन रहेगा। पावर पॉइंट क्लोज करने के लिए, पावर पॉइंट की विंडो क्लोज करने के लिए आपको पावर पॉइंट को एग्जिट करना पड़ता है। उसके लिए भी आप फाइल टैब पे ही जाओगे बच्चे, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, उसमें एग्जिट बटन होगा। अगर क्लोज बटन पे क्लिक करोगे जो यहाँ पे रेड बॉर्डर में है, तो फाइल क्लोज होगी। लास्ट ऑप्शन है एग्जिट, देखिए इसी में नीचे। तो एग्जिट पे क्लिक करने से क्या होता है, आप पावर पॉइंट से बाहर आ जाते हैं। पावर पॉइंट एग्जिट्स एंड यू विल सी द डेस्कटॉप। आप पावर पॉइंट से बाहर आ जाएंगे और आपको डेस्कटॉप दिखने लगेगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, दीज टॉपिक्स आर क्लियर। नाउ चिल्ड्रेन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। पावर पॉइंट कम्प्लीट हो गया है। प्लीज़ रीड द चैप्टर। सारे फीचर्स जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इनकी प्रैक्टिस करिए, तभी आप इसको सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे इन फीचर्स को, बिकॉज़ ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि किस में क्या करना है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो पावर पॉइंट का ऐप डाउनलोड करिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं तो नेबरहुड में प्लीज़ किसी के पास भी है उससे हेल्प लीजिए, रिक्वेस्ट करिए एंड प्रैक्टिकल करिए। प्लीज़ डू प्रैक्टिकल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस चैप्टर, देन इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।